टॉपिक है आज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, इससे पहले हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखी है। इंटेंसिटी हमें इस बात का सेंस देता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट लगाती है उसका आखिर एक्चुअल में नहीं इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब फोर्स पर यूनिट मास। अभी हम लोग करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक तरह से ये पोटेंशियल टर्म से रिलेटेड है। तो देखो इसमें करते कैसे हैं। होता क्या है कि अगर मान लो कोई मास कहीं पे रखा हुआ हो, ठीक है, और उस मास को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लाना हो आपको, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, नहीं? और वो जो वर्क होता है, कितने मास को आपने किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक लाया है, उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देख, ये चीजें आपने क्लास टेंथ में भी पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे अगर हम आपको ये कह दें कि ये एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी है, जैसे वहां पे चार्ज होता था, जैसे यहाँ पे मान लो कुछ मास है, एम मास को आपने यहां से यहां तक लाया, एक्सटर्नल एजेंट कोई भी है, और उसने किया वर्क, और वो वर्क कर लिया 10 जूल। 10 जूल वर्क किया, तो ये 10 जूल वर्क कैसे आता है? अगर यहां का पोटेंशियल, ठीक है, यहां का पोटेंशियल मान लो कुछ है 10 और यहां का पोटेंशियल मान लो 20 या कुछ भी, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके मैग्नीट्यूड के ये बराबर आता था, ठीक। तो इसी से मिलता जुलता टर्म यहां पे पोटेंशियल भी हमें समझना है कि पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास ही होता है। जैसे फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पर यूनिट मास होता है और पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट मास। यूनिट मास पे कितना फोर्स लगाती है कोई भी ग्रेविटेशन, कोई भी मास, वो उसकी फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। और यूनिट मास को किसी रिफरेंस पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है कि हमारे पास कितना पोटेंशियल है, कहते हैं एक ताकत वाला सेंस, नहीं? तो हमारे पास कितना पोटेंशियल है ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी सिंगल मास का कुछ पोटेंशियल नहीं होता है। आई बात समझ में? सिंगल मास का कोई पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तब होगा जब दूसरा मास उसके इंटरेक्शन में आएगा, नहीं? तो एक क्या हुआ कि हम लोग कहीं से एक मास को या कोई भी बॉडी जब हमसे लड़ने आएगी तब ना हम अपना ताकत उस पर लगाएंगे, तब ना आपको हमारा ताकत महसूस होगा, हमारा पोटेंशियल महसूस होगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट मास को किसी पॉइंट से, नहीं, किसी मास जिसका पोटेंशियल आपको पता करना हो, नहीं, उसके फील्ड में लाइए। तो उसके फील्ड में लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, उसके फील्ड में लाने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो काहे, तो सीधा इसको अट्रैक्ट ही कर लेगा, फिर आप लाने में वर्क डन क्यों झूठ मूठ का कर रहे हैं? बाबू, हम लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन नहीं है जो कि लाने में किया जा रहा है। फिर से सुनो, हम ये कह रहे हैं जैसे ये एक मास है, इस मास का इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है, तो हमने ये कहा कि भाई किसी रिफरेंस पॉइंट से एक टेस्ट मास को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम लोग इसका पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर तुम्हारे मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर काहे झूठ मूठ का मेहनत कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे या कहीं पे एक मास रखा हुआ है, ये मास उस मास को, ये मास तो अट्रैक्ट कर भी करेगा, आप काहे वर्क कर रहे हैं झूठ मूठ का? तो यहां पे कौन से वर्क की बात की जा रही है इसको ध्यान से समझो। होगा क्या कि जैसे मान लो कोई एक टेस्ट मास यहां पे रखा हुआ है, ये तो इसको फटाक सा खींच लेगा, और फटाक सा खींच लेगा मतलब इसके पास बढ़िया सी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं? यहां पे अट्रैक्टिव नेचर का होता है तो ये इसे अपनी ओर खींचेगा ना, एकदम तुरंत सा खींचेगा। तो हमको क्या करना है कि इसे तुरंत उधर नहीं जाने देना है, इसको धीरे धीरे जाने देना है, इतना धीरे धीरे कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बने, स्लोली स्लोली इसको ले जाना है। ये बहुत सुंदर, इन्फिनिटी पे है तो खींचेगा कैसे?
एक मास है इलेक्ट्रॉन, एक बड़ी पार्टिकल है आपके पास इलेक्ट्रॉन, एटम मान लो, इलेक्ट्रॉन चलो एटम मान लो, एक एटम खींच रहा है दूसरे मान लो एटम को, जो कि मान लो 10 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्या वो दूसरा एटम इन्फिनिटी पे नहीं हुआ? इन्फिनिटी अपने मन की बातें होती है ना, वो डिपेंड करता है साइज के। इन्फिनिटी मतलब रिफरेंस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। इन्फिनिटी मतलब होता है उनकी रिस्पेक्ट में डिस्टेंस काफी दूर हो, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक, कहीं पे भी रखा रहेगा ना तो वो उसको अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा, ये तो एकदम फिक्स है। क्या ये लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है? इन्फिनिटी पे एक्ट नहीं करती है आपके, मतलब जैसे अर्थ और कोई भी मान लो एक मार्स है या मान लो कोई अदर प्लैनेट है जो कि काफी लाइट ईयर दूर है, उसके लिए वो इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं हुआ क्या? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा है? नहीं, तो इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफी दूर दूर तक लगती है। तो नहीं, इन्फिनिटी तो कोई रेफरेंस पॉइंट मान लो, अगर आपने यहां से मान लीजिए 100 मीटर पे ही रखा है, ये से अपने और खींचेगा ना, तो खींचेगा तो ये जल्दी से खिंचाएगा, जैसे जैसे नदी का और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड नहीं बढ़े, मतलब ये एकदम स्लोली स्लोली इसके करीब जाए, तब आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इसको खींच के रखने में। नहीं कि ये जा रहा है लेकिन कैसे रकम रकम से जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना जो इसको खींच रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग उतना ही फोर्स या उससे थोड़ा सा कम फोर्स पीछे की तरफ लगानी पड़ेगी, यह सुनो। और ये पीछे की तरफ लगाने में जो वर्क डन होगा, आई बात समझ में, उस वर्क डन की बात यहां पे की जा रही है। क्लियर है कि कौन सा वर्क डन यहां पे हो रहा है? इस मास को स्लोली स्लोली इस मास के करीब जाने देने में जो आपको एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन की बात पूरी बात होगी, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी में होगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, जहां भी वर्क डन की बात होगी तो ये वाला वर्क डन होगा इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है। क्लियर, गुड। तो डिफिनेशन है कि एट अ पॉइंट, हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल अलग अलग होगा, डिफाइन होगा कि उस पॉइंट रिफरेंस पॉइंट से किसी भी पॉइंट मास को, टेस्ट मास को उस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल बता देगा आपको। इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, किसी रिफरेंस पॉइंट जनरली इनफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वो इस मास का इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होगा। तो डिफिनेशन ये पता चल गया कि वर्क डन पर यूनिट मास, नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि आपको आपका पोटेंशियल, आपको इसका पोटेंशियल बताना है कि आपका पोटेंशियल बताना है, आपको इसका ना पोटेंशियल बताना है। तो भाई इसका पोटेंशियल इन्होंने क्या करा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर करा और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, इसीलिए नेगेटिव साइन इंक्लूड कर जाता है। तो डिफिनेशन में भी आप नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। नहीं, नेगेटिव साइन का क्या यहां पे रोल है, समझ गए ना बात को, क्योंकि फोर्स लगा इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ है, बस इसलिए वर्क डन नेगेटिव आया यहां पे। ठीक है, तो इसलिए डिफिनेशन में नेगेटिव ऑफ वर्क डन कर दिए, जो कि इस मास का पोटेंशियल बता देगा। आगे और भी बात करेंगे, फिलहाल फॉर्मूला क्लियर हो गया इसका, जनरल फॉर्मूला। स्केलर क्वांटिटी होगी पोटेंशियल, किसी भी टाइप का पोटेंशियल क्यों ना हो स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा, किसी भी टाइप का पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, किसी भी टाइप, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, किसी भी टाइप का पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखने का सबसे आसान तरीका। यूनिट क्या है, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट मास है इसलिए केजी पर मीटर होना चाहिए, सॉरी जूल पर मीटर होना चाहिए, जूल पर मीटर, सॉरी मास है ना, जूल पर केजी होना चाहिए। और इसी को तोड़ेंगे, जब आप जूल को तोड़ेंगे नहीं तो ये मिला जुला के आपको मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इससे आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर आपको याद हो तो। क्लियर है, ये तो जनरल बातें होंगी। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं, इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यूज करना है। आइए, पॉइंट मास की वजह से, यानी कि सिंगल मास की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है उसको डिराइव करें। पोटेंशियल का डिफिनेशन तो क्लियर हो गया। अब हम लोग एक, हमारे पास एक पॉइंट मास है, एक टेस्ट मास को हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट मास को यहां, ये तो इसको खींच रहा है,
ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है, हमें क्या करना होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देनी है उतनी की लगभग इसके बराबर ही हो, थोड़ी सी कम होती है, बहुत कम होती है, ताकि ये स्लोली स्लोली इधर जा सके और हमें इस पॉइंट तक इसको आने देना है। ठीक है, तो डिफिनेशन कहता है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट मास फ्रॉम इन इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट बाय पर यूनिट मास होता है। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स, आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो हमने यहां पे डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया और ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, और इंटू आर नीचे एम नीचे एम, एक आर से एक आर उड़ गया, एक एम से एक एम कट गया, ओवरऑल क्या बचा आपके पास, जी एम बाय आर, निगेटिव लगा दो जी एम बाय आर। ये हो गया इस मास की वजह से, इस मास का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, जी एम बाय आर, क्लियर, नेगेटिव ऑफ जी एम बाय आर, क्लियर है। माइनस साइन का मतलब समझ पाए, माइनस साइन आपको कैरी करना है, स्केलर है, कैरी करते रहना है। ठीक है, फॉर्मूला आसान सा है, जी एम बाय आर, क्लियर, गुड। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। आइए इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं, ये तो डिफिनेशन की मदद से डायरेक्टली हो गई, अब आइए इसको हम लोग दूसरे तरीके से डिराइव करें जो कि एक्चुअल डेरिवेशन है इसका। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि एक टेस्ट मास इंफिनिटी पे रखी हुई है, ठीक है, उसे हमें फाइनली पी पोजीशन पे रखना है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑर्बिटरी पोजीशन ले लेते हैं जो कि इस मास से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है और यहां से डी एक्स डिस्प्लेस इसको कर दिए, तो डी एक्स को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा होगा, क्लियर। मतलब अभी एक ऑर्बिटरी पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं कि तत्काल ये आ रही है, नहीं ये इंफिनिटी से आ रहा है इसकी तरफ और बीच में कहीं रास्ते में रोक के जो कि इससे एक्स डिस्टेंस पे एक ऑर्बिटरी पोजीशन ले लिए, यहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डी एक्स डिस्प्लेस होने में, ये डी एक्स देखिए आई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पोटेंशियल दे रखा है जो कि x का फंक्शन है 2 बाय एक्स क्यू की फॉर्म में, हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है x के अलोंग व्हेन x इक्वल टू 6 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ dv को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड वो x के अलोंग आ जाएगी, तो हमने इसको लिख दिया 2 बाय एक्स क्यूब को लिख सकते हैं ना, 2 टू दी पावर x पे 2x पे पावर माइनस 3, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन x पे पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 3 x पे पावर माइनस 4, तो वही हुआ, इसको माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 x पे पावर माइनस 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका x पे पावर 4 भी लिख सकते हैं इसको बाय के फॉर्म में, और आपको x का वैल्यू कितने पे चाहिए था 6 पे, सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ आंसर आया आपका। आइए एक सवाल और करें इसमें, जैसे हमारे पास फील्ड दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यू, आओ एक सवाल करें, पोटेंशियल मान लीजिए आपको गिवन है, ये आप लोग बनाएंगे। अगला सवाल, पोटेंशियल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, ये दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि आप नेट फील्ड बताइए व्हेन फाइंड नेट फील्ड इंटेंसिटी एट 112 पे, अरे एट 112 पे, इस तरह का सवाल हम आप लोगों को करवा चुके हैं, इस तरह का सवाल बढ़िया ढेर सारा हुआ भी है। आंसर कितना आया, 149 की। अच्छा जो भी, देखो सबसे पहले फील्ड निकालेंगे x के अलोंग निकालिएगा तो बाबू dv माइनस dv बाय dx करिएगा ना, तो आप पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले देखो बाबू
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब वाई और जेड इसके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स डिफ्रेंशिएट होगा माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2x3 और वाई 0, जेड भी 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वाई के टर्म में करोगे तो माइनस डी वी बाय डी वाई, तो एक्स वाला टर्म 0। हाँ बाबू, एक्स टू दी डिफरेंशिएशन, ओह सॉरी 2-1 होगा ना, हाँ 2x पे 1 होगा, हाँ ठीक है। वाई का जब करोगे तो एक्स 0 होगा और वाई का हो जाएगा कितना, -1 होगा, वाई का 1 होगा ना, आगे माइनस ये है, ये 1 होगा और जेड का हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। जेड के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो एक्स और वाई दोनों 0 होगा, नहीं एक्स भी 0 वाई भी 0, जेड का हो जाएगा कितना 3z², कोई दिक्कत। ये आपको आई में आ गया, ये वाई में, तो आपका आई में कितना आया 2xi कैप, नहीं इसमें आया माइनस हाँ 1j कैप, और यहां पे आया आपका माइनस 3z² k कैप। ये हो गया आपका फील्ड। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड को लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो आप आराम से लिख सकते हैं 2xi कैप। देखो एक्स का वैल्यू पुट नहीं करोगे क्या, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 2, x का वैल्यू 1 करोगे ना, सीधा लिख दें माइनस 2 × 1 2i कैप माइनस j का वैल्यू तो ऐसे भी 1 है तो कुछ वेरिएबल तो इसमें रहा ही नहीं, तो ये j कैप और यहां पे रहा आपका देखो 2 का स्क्वायर तो माइनस 12 ना, माइनस 12 k कैप। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका, देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड था तो वेक्टर फॉर्म में आया, आपका मैग्नीट्यूड पूछा गया इसमें तो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बाबू, हाँ तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144, तो कुल मिला के 149, और यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ पाए पक्का, एक सवाल देंगे तब बन जाएगा, चलिए ठीक है एक क्वेश्चन बनाइए। अब देखो इसको कैसे करें, इसमें भी फिर वही करना है कि आपको अगर आई एक्स निकालना हो तो डी वी बाय डी एक्स करना होगा। अब की बार 0 नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2+x को डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2 का 0 और एक्स का 1 होता है, लेकिन अगर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, एक्स का हो जाता है 1, मतलब ये बात पता है ना, हाँ इसीलिए एक्स तो को एक्स डिफ्रेंशिएट होगा और बाकी एज इट इज रहेगा, तो बाकी जो है उसको एज इट इज लिख दो, नहीं और x 2x है तो बस, समझ पाए बात को, नहीं इसके अलावा बाकी कांस्टेंट है, प्लस में रहता तो 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा 2xyz³, माइनस में नेगेटिव में वैल्यू भी पुट कर दे साथ ही, क्योंकि 1 1 1 है तो ये हो जाएगा 1 1 1, मतलब -2i कैप, कोई दिक्कत। सिमिलरली आई वाई हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी वाई, देखो छाप रहे हो फिर तुम, क्या नाम था इच्छा ना, अरे बाबू तो जो भी होगा पुट कराएगा वैल्यू, जो भी होगा पुट कराएगा, अभी 1 1 2 3 डाल दो तो 2 3 पुट कराएगा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए डाल दिए। अब देखो वाई को कर रहे हो तो वाई तो डिफरेंशिएट होगा, बाकी कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स पे पावर 2 और वाई पे जेड पे पावर 3 एज इट इज रह जाएगा, इनटू में वाई का हो जाएगा 1, क्या एक्स का वैल्यू 1 जेड का वैल्यू 1 है तो सीधा ये हो जाएगा माइनस जे कैप, बोलो कोई दिक्कत, और बाकी जेड, जेड को करोगे तो जेड डिफरेंशिएट होगा और बाकी का रहेगा कांस्टेंट, बाकी रहेगा कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट रह गया और ये हो जाएगा आपका 3z, पुट करोगे तो 1 1 1 मतलब 3k वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या, अच्छा जेड स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर भी तो 1 ही आएगा ना, जेड का वैल्यू 1 है इसीलिए आया 3k कैप। बस आपको नेट आई निकालना है तो आई नेट होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो सबका सम अप कर दीजिए वेक्टर सम, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10 = 14 √14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो रहा कि आप ना पोटेंशियल से इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे,
अगर उल्टा हो तो इंटीग्रेशन। भाई पोटेंशियल से इंटेंसिटी के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इंटेंसिटी से पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होगा। आइए एक सवाल उस पर भी करिए, लेट इसको नोट कर लीजिए। देख लो, देखो E दे रखा है, आपको पता है कि E मतलब I, I इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो हमें चाहिए dv, तो dv इक्वल टू माइनस आई डी आर कर सकते हैं, और इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, देखो पोटेंशियल ऐसे भी डिफाइन होता है इन्फिनिटी से किसी भी गिवेन पॉइंट तक, और आपको कोई कौन सा गिवेन पॉइंट है, x बराबर 3, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी से पोटेंशियल एट 3 पे निकालना है आपको, ये निकालना है, तो पोटेंशियल 3 पे 3 मान लेते हैं, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0, पोटेंशियल डिफाइन है इन्फिनिटी से किसी गिवेन पॉइंट तक, चाहे कोई बात नहीं, चलो गिवेन पॉइंट पी कर लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल होता है 0 और गिवेन पॉइंट पोजिशन क्या है 3, 3 पे चाहिए ना पोटेंशियल आपको, करिए है बाबू, पोजीशन सॉरी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है 0, पोजीशन इन्फिनिटी है, पोटेंशियल एट पी पे चाहिए जो कि 3 पे, गुड, तो ये हो जाएगा आपका कितना डी वी, तो वी हो जाएगा वी इक्वल टू वी 0, और आई कितना है 9 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 9 एक्स पे पावर माइनस 2 डी आर, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डी एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी और 3, पहले समझो बाद में छापना, आप क्या करोगे 9 तो बाहर आ जाएगा माइनस 9 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, यस एक्स पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 होता है ना, एक्स पे पावर माइनस 1 बाय माइनस, तो माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा क्या, ठीक है माइनस 1 बाय एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा बाहर कर लें इसको, बोलो ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 बाय, मैं रुको, हाँ ऐसे ये माइनस 9 बाहर आ गया और ये पुट कराया आपका माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट पुट करोगे एक्स स्क्वायर का लिमिट इन्फिनिटी से 3 तक, अब करो सॉल्व इसको, माइनस 9 इंटू लिमिट पुट करोगे माइनस 1 बाय 3 माइनस माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ये हो गया आपका वैल्यू 0, अब सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना माइनस 9 इंटू माइनस 1 बाय 3, माइनस माइनस प्लस खत्म 3, तो 3 कितना आया पोटेंशियल है मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, आई बात समझ में, पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी रहती तो हाँ, और वोल्ट तुम कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा, बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, छाप लो पहले समझा दोबारा, क्या क्लियर है ना, गुड, देखो अभी तक जो हमने सीखा है, छाप रहे हो क्या ऐसे, जल्दी छापो जल्दी छापो, छाप लिए, देखो अभी तक हमने ये सीखा है कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर फील्ड और पोटेंशियल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो तो क्या बोले बोलते हैं, जैसे पोटेंशियल का तो कोई ऐसी डायरेक्शन होता नहीं है, नहीं पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फील्ड इस डायरेक्शन में है, नहीं यहां पे एक बड़ा सा हैवी मास रखा हुआ है, तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, और पोटेंशियल हम चाहते हैं इस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जिधर हम निकालना चाहते हैं उससे तो फील्ड कुछ एंगल पे है, मान लेते ये एंगल कितना है थीटा, तो आप हमेशा से फील्ड और पोटेंशियल एक ही डायरेक्शन में लेते हैं ना, अभी भी लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप कुछ नहीं करिए, आप फील्ड को इधर लेते आइए, तो भाई इधर फील्ड कितना आएगा, जिधर आप पोटेंशियल चाह रहे हैं उधर फील्ड कितना आएगा, आई कॉस थीटा, का ही टेंशन लीजिएगा बस,
तो आई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डी वी बाय टी आर, बस कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो और आपको पोटेंशियल निकालना हो उससे कुछ थीटा एंगल वाले डायरेक्शन में, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फील्ड को उस डायरेक्शन में लेते आना है। जैसे पोटेंशियल हमें यहां पे चाहिए, ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप फील्ड को इस डायरेक्शन में लेते आइए। अगर ये एंगल थीटा हो तो आई कॉस थीटा फील्ड हो गया, और फॉर्मूला फिर वही चलेगा, आई कॉस थीटा माइनस डी वी बाय डी आर। इस तरह से हम लोग फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पे बेस्ड सारे तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, जिसका सारा टेक्निक आपको मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग बॉडी की वजह से पोटेंशियल पता करते हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। जिस तरह से हमने अलग अलग सिस्टम और बॉडी के लिए फील्ड पता करा था, उसी तरह से पोटेंशियल भी करते हैं। सबसे पहला होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल चलेगा। एक होलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल में फीचर्स हम बताए थे कि इसका जो टोटल मास होता है उसके सरफेस पे लाई करता है। तो मान लेते हैं m मास का हमारे पास एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है। अगर हम देखो इसी टेक्निक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, i बराबर माइनस डी वी बाई डी आर है ना, इस टेक्निक से अब कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक बात बताइए सर, अच्छा देखो i बराबर माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। अच्छा इस होलो स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, रेट जी एम बाय आर स्क्वायर। ये तो हुआ फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अगर तुमसे पूछे तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हुआ ना बाबू, ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ ना। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म लिखिएगा तो यहां पे माइनस लगाना पड़ जाएगा ना आपको, क्यों, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी पोजीशन के डायरेक्शन के अपोजिट फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, आई का डायरेक्शन तो ये ना होता है, इसलिए यहां पे माइनस हमने जड़ दिया। अच्छा सब जगह चेंज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग, इस रिलेशन से इंटीग्रेशन वाला मेथड डीवी कर देते हैं। तो डीवी इक्वल टू आई डी आर, और इसकी वजह से यहां पे हमें फील्ड पता है, तो फील्ड का फॉर्मूला पुट कर दें, माइनस जी एम आर स्क्वायर, क्योंकि सेल की वजह से स्फीयर होलो स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी होती है वही लिख दिए हैं। गुड, अब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक। अब देखो पोटेंशियल इंटीग्रेट होगा कहां से, देखो डिफिनेशन क्या है, इंफिनिटी से किसी गिवेन पॉइंट तक, इंफिनिटी से किसी गिवेन पॉइंट तक, इंफिनिटी से किसी गिवेन पॉइंट तक, और यहां पे लिमिट क्या पुट कराएगा, इंफिनिटी पे पोजीशन इंफिनिटी, तो गिवेन पॉइंट तक, इंफिनिटी पे पोटेंशियल ऐसे जीरो होता है, पोटेंशियल एट पी इंफिनिटी, इंफिनिटी से आर तक लिमिट पुट कराया, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो होता है ऐसे भी। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, जी एम कांस्टेंट बाहर कर लिए, क्या आर कांस्टेंट होगा, वैसे यहां पे हम लोग जानबूझ के आर माने हैं वेरिएबल, मतलब एक्स मानना था आर माने, कोई बात नहीं, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी तो कर रहे हैं ना डी आर, ठीक है गुड। तो वन बाय मतलब डी आर, यहां पे एक स्टेप काट दिए हैं वैसे, जी एम डी आर बाय आर स्क्वायर है ना रे, और ये हो गया आपको हमारा इन्फिनिटी से आर तक, तो पता है 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होता है, माइनस 1 बाय आर पुट कर दिए, लिमिट आर से इन्फिनिटी तक डाल दिए, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिए, अपर लिमिट माइनस 1 बाय आर की जगह पे आर रख दिए और आर की जगह पे इन्फिनिटी रख दिए, ये टर्म एलिमिनेट हो गया, और यहां से ये टर्म आ गया आपका कितना, माइनस जी एम बाय आर। देखो बड़ा सुंदर सा रिजल्ट, एक पॉइंट मास की वजह से जो पोटेंशियल होता है वही स्फेरिकल सेल का होगा, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो ना हॉलो स्फीयर होगा ना, तब भी आउटसाइड यही रिजल्ट कैरी करेगा, क्योंकि वो सिंपल एक पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा। इमेजिन करिए आपके पास एक बड़ा सा, लिखो नहीं, एक बड़ा सा मास है और दूर से आप उसे देख रहे, तो आपको ये पॉइंट मास नहीं दिखेगा, बस जी एम आर स्क्वायर, सॉरी जी एम आर, कोई दिक्कत नहीं। तो आउटसाइड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर कितना हो जाएगा, जी एम बाय
आर सरफेस पे, सरफेस पे बस ये आर का की जगह पे आप रेडियस यूज कर लीजिए, सरफेस का मतलब होता है आर बराबर आर, तो माइनस जी एम बाय आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे कंसेप्ट है थोड़ा सा क्या कि इनसाइड तो हमारे पास फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाना चाहिए। ना ना ना, ना। देखो इनसाइड फील्ड ना जीरो होता है और आई बराबर माइनस डी वी बाय डी आर होता है ना बाबू, ये ना जीरो हुआ मतलब डी वी इक्वल टू जीरो हुआ ना, मतलब पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, ये हुआ इसका मतलब। पोटेंशियल में चेंज जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल जितना था उतना ही रहेगा। कहां पे? जहां पे सरफेस पे, क्योंकि सरफेस पे जितना था उसके अंदर आप गए तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उसके बाद पोटेंशियल बदलेगा ही नहीं, इनसाइड में पोटेंशियल नहीं बदलेगा, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड में होता है लॉजिकली। आइए न्यूमेरिकल क्या कहता है देख लो। हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो स्फेरिकल सेल है इन्फिनिटी, अब बोलोगे सर इसका जो ट्रेडिशनल वे है कि इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट पे मास को लाइए, तो ये पॉइंट हमारा पी है, तो इन्फिनिटी से लाओगे तो यहाँ पे ना डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले इन्फिनिटी से सरफेस और फिर सरफेस से अंदर लाना पड़ेगा। तो आप ये मत करिए, आप सरफेस पे पोटेंशियल पता है ना तो सरफेस से लाइए ना, रिफरेंस पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी हो, रिफरेंस पॉइंट हम लोग सरफेस ले लिए, तो सरफेस एक पॉइंट, तो सरफेस से हम लोग पी पॉइंट पे पॉइंट मास को लाते हैं, इसीलिए हमने यहां पे सरफेस से पी पॉइंट पे लिया है। समझ पाए? डी वी पोजिशन सरफेस, सरफेस का पोजिशन क्या होगा? आर कैपिटल, और कहां पे ला रहे हैं आप? स्मॉल आर पे, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट पुट कराया, आई तो ऐसे भी जीरो हो गया, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो क्योंकि आई ड्यू टू जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो वीपी माइनस वीएस इक्वल टू जीरो, वीपी इक्वल टू वीएस आया। देखो इनसाइड ये वीपी क्या है? इनसाइड है, तो इनसाइड उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है, और लॉजिक ये भी क्लियर है, तुम्हारा लॉजिक से भी क्लियर है और तुमने न्यूमेरिकली भी देखा ये भी उतना ही आया, क्लियर। अब इसका सबसे बढ़िया ग्राफ, ग्राफ पूछा जाता है, देखो ग्राफ निगेटिव में ड्रॉ होगा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका माइनस जी एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी और आर के बीच अगर हम लोग वेरिएशन में ग्राफ देखें तो मैक्सिमम कहां पे होता है? सरफेस पे, और सरफेस से लेके सेंटर तक, सेंटर पे भी वही होगा, यानी कि सेंटर से लेके सरफेस तक एक जैसा ही पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो जितना सेंटर पे था उतना ही इनसाइड भी है और उतना ही सरफेस पे है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आर बराबर आर का सरफेस पे, लेकिन सरफेस के बाहर क्या हो रहा है? घट ना रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो रहा है? घट रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे गए पोटेंशियल घटा, देखो आर बढ़ रहा है, आर का वैल्यू बढ़ा लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है ना, क्लियर। इस तरह से ये ग्राफ हो गया इसका, एक बार देख लो, कोई डॉट हो तो पूछो फिर बात करें। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जिसका मास m रेडियस r हो। देखो सॉलिड स्फीयर का अगर हम बात करें इनसाइड, नहीं इनसाइड तो वैसा ही रहेगा, सॉरी इनसाइड बोल रहे हैं, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा आउटसाइड, वो हमें लगता है बिल्कुल वैसा ही होगा माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आउटसाइड से भी, सॉरी r, क्योंकि आउटसाइड से भी आपको पॉइंट मास से दिखेगा, तो आउटसाइड और सरफेस तक तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, नहीं सरफेस पे भी, हाँ तो माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, बस इसमें इनसाइड वाला देखना है क्योंकि इनसाइड में ना मास वाला चेंज आएगा, हम लोग मास वाला चेंज कर चुके हैं, हमें इंटेंसिटी वाला टेक्निक अगर पता है तो इंटेंसिटी को यूज करेंगे हम लोग। आइए इनसाइड चलें, देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना बाबू कि डेरिवेशन जानबूझ के हम लोग बारीकी से किसलिए करवा रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा डेरिवेशन कॉपी पेस्ट होने वाला है, इसीलिए एक बार देख लो। इनसाइड, इनसाइड में जब हम चलेंगे तो आपको इनसाइड तो फील्ड जीरो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने वाला है सॉलिड में, अक्ल बोल रही फॉलो का ना होता है, फील्ड होता है कितना? इनसाइड फील्ड रे ए ले, बोलो बोलो, जी एम आर बाय आर क्यूब, याद है
बोले तेरे जी एम बाय आर याद रखना है, यही फॉर्मूला सब भूलता है, इसे याद रखना बाबू, ठीक है। अगर हम इसे नोटेशन वेक्टर नोटेशन में लिखें, माइनस लगाना पड़ेगा। चलो इनसाइड हम चले गए, इनसाइड में वही आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब डी वी इक्वल टू आई डी आर, यही इंटीग्रेशन चाहिए, ये इंटीग्रेशन चाहिए हमें, गुड। अब देखो इनसाइड का तरीका आपको बताए थे, सॉलिड में क्या करना होता है, इन्फिनिटी से नहीं करना होता, सरफेस से अंदर चले। इसमें क्या होता है, आपको ना सरफेस लीजिए, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी शो करेगी ये, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। आप जब सॉलिड स्फीयर में अंदर की बात कर रहे हैं ना, आप एक पॉइंट सरफेस पे रेफरेंस पॉइंट सरफेस लीजिए और दूसरा पॉइंट आप लीजिए इस पे। तो जब आप इसको कंसीडर करेंगे तो कहां से कहां तक, सरफेस से इनसाइड चलेंगे, सरफेस पे ये वैल्यू आर होगा और इनसाइड में आर होगा, क्लियर, गुड। अब आई का वैल्यू पुट कर दिए, ये माइनस उड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पुट कराएगा आपका जी एम आर बाय आर क्यूब इंटू डी आर, लिमिट पुट करेंगे आर और आर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी एम बाय आर क्यूब को बाहर कर ले, बोलो कुछ मिसिंग नहीं ना है, नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फाइनल वी पी माइनस वी एस, इसको लिख सकते हैं वी पी माइनस वी एस, और ये होगा जी एम बाय आर क्यूब, लिमिट पुट देखो वन आर क्यूब, ये डी आर का क्या होता है, आर होता है ना, अच्छा सॉरी आर डी आर है ना, आर डी आर का आर स्क्वायर बाय टू, लिमिट पुट करेंगे आर से आर तक, कोई दिक्कत नहीं। जी एम बताओ, पोटेंशियल हमें पी पॉइंट पे चाहिए, सरफेस पे नहीं पता है, कितना जी एम बाय माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, सॉरी माइनस जी एम बाय आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो बाद में करेंगे, जी एम बाय आर क्यूब, लिमिट जब पुट कराएगा तो ये हो जाए आर आर स्क्वायर बाय टू ही रहेगा, माइनस आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। एक काम करें, इस जी एम को उधर ले जाए, तो वी पी इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू, और ये इधर जाएगा प्लस है तो माइनस होगा ना, माइनस जी एम बाय आर, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं हम लोग, जी एम बाय आर क्यूब पूरा कॉमन ही लेते हैं पूरी टर्म से, तो पूरा टर्म से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका आर स्क्वायर बाय टू, और यहां पे क्या बचेगा कोई बताओ, यस वन बाय आर स्क्वायर बचेगा ना, आर स्क्वायर ऊपर, ओहो हा आर स्क्वायर भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिएगा तो जी एम बाय आर क्यूब, इसको जब आप सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा कितना, टू थ्री हो जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस थ्री आर स्क्वायर बाय टू। अब जरा देखो, हमको तो या आदत है ना माइनस जी एम बाय आर बोलने का, ना माइनस जी एम बाय आर बोलने का आदत है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, हाँ तो पोटेंशियल पी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जी एम बाय आर क्यूब, और ये हो जाएगा कितना, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय टू, कोई दिक्कत, यही हो गया आपका बेहतरीन रिजल्ट, बहुत सुंदर सा रिजल्ट होता है ये, छाप लो फटाफट छाप लो। मेंस के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट नहीं पूछता है ज्यादा, लेकिन मेंस इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नोट कर लीजिए। देखिए ग्राफ हमें v वर्सेस r कर रहा है, प्लॉट तो नीचे ही कराएगा ना, ये मान लो सॉलिड स्फीयर है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा रिजल्ट देखो, तो
इस पे कितना आया है पोटेंशियल, पोटेंशियल इनसाइड कितना आया है, इनसाइड पोटेंशियल आया है आपका फॉर्मूला माइनस जी एम बाय आर क्यूब माइनस जी एम बाय आर क्यूब इंटू इंटू थ्री थ्री आर स्क्वायर बाय टू माइनस आर स्क्वायर बाय टू। अब अगर हम एट सेंटर पर बात करें, ध्यान दो, V एट सेंटर पे पूछे तुमसे, तो V सेंटर पे क्या होगा, R का वैल्यू जीरो, बस ये वाला टर्म एलिमिनेट होगा, तो V सेंटर पे, सेंटर पे माइनस जी एम बाय आर क्यूब, हम तुमसे एक चीज दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, थ्री आर स्क्वायर बाय टू, आर स्क्वायर से R कट गया, मतलब माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। आप में ये बताइए, ये वैल्यू इससे ज्यादा है कि कम, ये वैल्यू इससे ज्यादा है कि कम, ये ज्यादा है, ये बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें घट रही है। अगर तुम देखो ना, ये वाला टर्म कैलकुलेट हो गया तो कुछ तो वैल्यू घट रहा है ना, यहां पे वो घटने वाला टर्म नहीं ना है, मतलब ये बड़ा होगा, यानी सेंटर पे मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में, जो भी वैल्यू होगा वो सेंटर पे सॉलिड स्फीयर का मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मान लेते हैं, यहां पे ये वैल्यू मैक्सिमम है कितना, नहीं, ये वैल्यू मैक्सिमम होता है सेंटर पे, ये यहां पे। इसके बाद जब आप आर पोजीशन पे गए, सरफेस पे कितना होगा बाबू, ये सेंटर पे आई ना, अब सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे उतना ही होता है जी आर, सरफेस पे माइनस जी एम बाय आर, ये ना होता है, सरफेस तो कम हुआ ना, तो सरफेस पे ये हुआ सरफेस, मान लो ये वैल्यू माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर, और ये वैल्यू माइनस जी एम बाय आर, ये वैल्यू कहाँ पे है, सरफेस पे, ध्यान दो बाबू, ये वैल्यू सरफेस पे है और ये वैल्यू सेंटर पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यहां से घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। जब आप सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है ना, तो पोटेंशियल आपका घटा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद भी घट ही रहा है, क्योंकि उसके बाद घटा है ना इस फॉर्म में, यस, इसका ग्राफ थोड़ा गड़बड़ हो गया, घटा ये ऐसा नहीं बनेगा, ये तो बढ़ने वाला ग्राफ हो गया, ये ग्राफ ऐसा, सॉरी, हाँ कुछ ऐसा ऐसे, और इसके बाद जो ग्राफ बनेगा आपका घटने वाला ऐसा, ये हो गया है ना, बोलो ग्राफ में कोई शक, ये हो गया आपका आर, ड्रॉ कर लीजिए, ये डाटा चाहे तो साइड में लिख लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिए इसे। तो आज की सभा इसी कंसेप्ट के साथ करते हैं समाप्त, कल हम लोग करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने निर्धारित समय पे। धन्यवाद।